वेलकम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. सर, कैन यू गिव अ ब्रीफ अबाउट योर जर्नी? आपकी जर्नी के बारे में अगर आप थोड़ा शेयर कर सके हमारे साथ, आपने क्यों शुरू किया और आपने क्यों आज जो आपका मॉडल है वो वैसा क्यों है जैसा है? सर्वप्रथम मैं श्रुति चतुर्वेदी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों से मिलने का, बातचीत करने का मौका मेरे को दिया. मैं बचपन में बहुत ही इनोसेंट सर्विले किस्म का बच्चा था और ये मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने आप को जानूं मैं कौन हूं. लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने आप को जानूंगा लेकिन जानूंगा एक बिजनेस के माध्यम से, और यही सोच के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था. आज की जो मेरी बिजनेस की 42 साल की जर्नी रही, तो उसमें बिजनेस की आउटर जर्नी के साथ साथ मेरी इनर जर्नी भी कंटिन्यू चलती गई. तो आज मैं आपको जितने भी मेरे अनुभव शेयर करूंगा उसमें आउटर जर्नी और इनर जर्नी दोनों के अनुभव होंगे. मैंने सिंपल बीकॉम किया हिंदी मीडियम से, और उसके बाद में मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स ऑफ लाइफ. यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स ऑफ लाइफ क्योंकि इसके बाद ही मेरी रियल एजुकेशन की शुरुआत हुई. आज के 42 साल पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत एक दुकान से की, ब्रांडेड शूज की दुकान थी, जूते की, जो मेरे पिताजी चलाते थे. और इस दुकान में काम करते दौरान मुझे बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली, लेकिन मैंने उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया और बैंक को धन्यवाद का लेटर लिखा कि आपने इस लायक समझा मेरे को. लेकिन मैंने देखा कि चूरू में ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था और सेल्समैनशिप में मेरा मन भी नहीं लगता था. तो मैंने सोचा मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है. तो समझ में आया कि मैं एक पीपल पर्सन था, लोगों से बात करना, मिलना जुलना ज्यादा अच्छा लगता था, प्रकृति के साथ टाइम गुजारना ज्यादा अच्छा लगता था. तो उस वक्त मुझे पता चला कि इंडिया में कारपेट की एक्सपोर्ट में मांग बहुत ज्यादा है और वीवर इतने ज्यादा नहीं है कि उस मांग को सेटिस्फाई कर सके. तो मैंने सोचा मैं इसी धंधे से शुरुआत करूं क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता, और मैं भी क्या कि बहुत सीधा साधा सच्चा आदमी था, बिल्कुल सीधी बातें करता था. तो घर वाले दोस्त वगैरह मेरे को भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे, बोला ये तो कुछ भी बोल देगा मुंह से. तो मैं भी एक तरह से परिवार से, समाज से रिजेक्टेड था, और जिन लोगों के साथ काम शुरू किया वो ऑलरेडी रिजेक्टेड थे ही, और शायद दो रिजेक्टेड लोग मिलके एक दिन जयपुर बना. तो मैंने अपने पिताजी से उस वक्त 5,000 रुपए का लोन लिया और उस वक्त दो लोने खरीदी और एक पुरानी साइकिल खरीदी जिसे मैं वीवरों के घर पे जाता था. और उस वक्त जब मैंने वीविंग से और वीवर से मेरे को इतना प्रेम था कि मैं अपना दोपहर का खाना भी वीवरों के साथ ही खाता था, और पूरा दिन जो वीवर काम करते थे मैं उनके साथ ही गुजारता था. लेकिन शुरू में जो काम करने वाले वीवर थे वो मोस्टली मैन थे, लेकिन वो मैन क्या सही काम नहीं करते थे. बार बार में उठते थे, चाय वगैरह पीते थे, शैतानी करते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं बनाते थे, अब्सेंट ज्यादा रहते थे. फिर कुछ वुमेन की और लड़कियों की शुरुआत हुई, और जब उन्होंने इस काम को शुरू किया तो मैंने देखा कि वुमेन ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पा रही है. तो उसके बाद आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में वुमेन वीवर के साथ ही किया काम. लेकिन जो सबसे बड़ा पहला जो चैलेंज आया वो चैलेंज आया परिवार के लोगों से. वो चैलेंज ये था कि उसमें काम करने वाले जितने भी लोग थे वो हरिजन, रेगर, चमार जाति के लोग थे. और तो परिवार वाले बोले ये तो अछूत लोग हैं, अनटचेबल है, हम आप इनको लोगों को घर में नहीं आने देंगे. मोहल्ले वाले बोले
हम इनको मोहल्ले में नहीं आने देंगे। और मैंने देखा है कि मेरे दोस्त सगे संबंधी भी मेरे से इतना नाराज रहते थे कि मैं किसी पार्टी में जाता, मैरिज में जाता था, तो लोग मेरे से हाथ भी नहीं मिलाना चाहते थे। तो उस वक्त मुझे समझ आई कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके कर्मों से होनी चाहिए। फिर मुझे ये समझ में आया कि समाज में कितनी हिपोक्रेसी है। जो लोग इनको अनटचेबल बोलते हैं वो इतने हिपोक्रेट हैं कि वे अपने घर में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, और जब अकेले होते हैं तो और ही कुछ आते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं घबराया नहीं, मैं अपने काम में लगा रहा। और मुझे रिविंग और वीवर से लगातार मुझे उनके साथ काम करने में मजा आने लगा। इसके बाद 8 साल तक मैंने आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। 8 साल तक मैंने जॉब वर्क किया। उसके बाद में मैं जयपुर आया क्योंकि मुझे अपना खुद का एक्सपोर्ट शुरू करना था। तो जयपुर आके अपने भाई के साथ खुद का एक्सपोर्ट शुरू किया। लेकिन उस वक्त भी मैंने देखा है कि कारपेट की मांग इतनी ज्यादा थी कि जो जितने वीवर थे वो पूरी मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त मुझे पता चला कि गुजरात का एक ट्राइबल एरिया है, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, सूरत डिस्ट्रिक्ट, नौसारी डिस्ट्रिक्ट, डांग डिस्ट्रिक्ट, जहां पर वहां की सरकार उन ट्राइबल लोगों को रोजगार देने के लिए कारपेट वीविंग को बनाना चाहती है। तो मैं उस ट्राइबल एरिया में ये जानकारी करने के लिए गया कि मुझे यहाँ पर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जब मैं पहले दिन वहां गया तो वहां के लोगों ने बोला कि ये ट्राइबल लोग दे आर नॉट वेलकमिंग आउटसाइडर्स, अगर आप अंदर जाएंगे तो वो आपका पर्स छीन सकते हैं, आपके कपड़े फाड़ सकते हैं, आपकी पिटाई भी कर सकते हैं। तो उस वक्त मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था, तो जब भी मुझे कोई परेशानी आती, कोई दिक्कत आती, हम उसको पूछते थे। उसका नाम था आइले कोपर। तो मैंने उसको पूछा कि सभी लोग बोलते हैं कि ये आदिवासी लोग अच्छे हैं, अच्छे नहीं होते, मुझे इस एरिया में काम करना चाहिए करना चाहिए। उसने बोला कि दिस ट्राइबल पीपल आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया, क्योंकि बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया है, तो जनरली दे डोंट ट्रस्ट देम। So if you deal with them, love, empathy and respect, those people will be your most loyal force. फिर मैं वहां तक 8 साल तक वहां पर रहा। और 3 साल बाद मेरी वहां पर उन लोगों ने मेरे को इतना ज्यादा अच्छी तरह एक्सेप्ट किया, they started treating me as their guide and mentor. और जब मैं उनसे मिलने के लिए उस आदिवासी एरिया में जाता था वीवरों से मिलने के लिए, तो वीवर पहले दिन छुट्टी करते थे, अपने कपड़े धोते थे, प्रेस करते थे, क्योंकि उस वक्त प्रेस किए हुए कपड़े पहनना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और उनके माँ बाप जब मैं जाता था गांव में, बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करते थे। फिर मैं 8 साल तक गुजरात में रहा और वहां मैंने करीब 15,000 ट्राइबल मैन एंड वुमेन को ये कारपेट का काम सिखाया। और आज भी हमारी जो सबसे महंगी और सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मंडी आती है उसी गुजरात एरिया में आती है, उसी गुजरात एरिया से आती है। उस वक्त क्या टेलीफोन नहीं होते थे, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, और वो पूरा जो आदिवासी क्षेत्र था वो नदियां पहाड़ से घिरा हुआ था। तो उस वक्त मैंने सरकार से परमिशन लेके मैंने वहां पर एक ऊंचे पार्ट में रिपीटर लगाया और सारा कम्युनिकेशन में उस वक्त वॉकी टॉकी से करता था। उस दौरान मेरे 3 बेटियां हुई, पहली 3 बेटियां हुई। तो हमारा क्या बहुत ट्रेडिशनल मारवाड़ी समाज है, तो जब किसी औरत के पहले 3 बेटियां होती है तो घर वाले उसको थोड़ी हीन नजरों से देखते हैं। तो वाइफ को सभी लोग बोलते थे कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। तो एक दिन वाइफ ने मेरे को बोला कि मुझे सारे परिवार के लोग थोड़ा हीन नजरों से देखते हैं, अच्छी नजरों से नहीं देखते। तो मुझे और वाइफ को समझ में नहीं आता था कि बेटियां होने से क्या प्रॉब्लम है। फिर वो मेरा अंग्रेज दोस्त था, उसको हमने फिर पूछा
कि ये प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि तुम्हारे समाज में जो बेटे और बेटियों में जो डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे जो बॉय चाइल्ड स्पॉइल्ड हो जाते हैं और बेटियां पीछे पीछे रह जाती हैं। तो उसने बोला कि यू आर द लकीस्ट पर्सन, कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। उसने बताया कि वुमेन आर मोर रिसेप्टिव एंड मोर एफिशिएंट। तो हमने उसकी बात को मान के 3 बेटियों को बेटों की तरह पाला पोसा और फिर सारी बेटियां यूएस पढ़ने के लिए गई। मैंने उनको यूएस पढ़ने के लिए बोला, जब पहली बेटी गई तो मैं इतना घबराया हुआ था कि वो यूएस जाके कैसे वो मतलब वहां जाएगी, कैसे करेगी, क्योंकि मैं जानता भी नहीं था, मैं एरोप्लेन में भी नहीं बैठा था। तो जब वो बेटी यूएस जाने लगी तो उसने बोला, पापा आप मेरे को क्या बताना चाहेंगे? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए, मैंने अपनी लाइफ में एज ए वीवर वीवर काम किया है, एंड वीविंग हैज बिकेम द बिगेस्ट एंजॉयमेंट इन माय लाइफ, एंड यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट। तो जब आप अमेरिका जाएं तो आप ये देखें कि वहां की जो अमेरिकन वुमेन है उसकी क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह वो सोचती है, उनका इंटीरियर डेकोरेशन कैसा है। तो जब तुम लोग अमेरिका से पढ़ लिख के आओगे तो यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। इस दौरान जब मैं गांव में जाता था, मैं देखता था कि एक महिला जिसके परिवार में 8 से 10 लोग हैं और जिसकी फैमिली इनकम, पूरे परिवार की इनकम 15 से 25 हज़ार रुपए है, वो अपने परिवार को मैनेज करती है, बजट मैनेज करती है, बच्चों के स्वास्थ्य को मैनेज करती है, खाने को मैनेज करती है और पूरे घर को एकदम वो व्यवस्थित रख के चलाती है। तो मुझे समझ में आया कि दे आर द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड। उनके जो मैनेजरियल स्किल्स है, उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, दे आर द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड। 99 में मैं अपने भाई से अलग हुआ और जयपुर कंपनी की शुरुआत मैंने 0 से की। लेकिन जब मैंने जयपुर कंपनी की शुरुआत की तो पहले 3 साल मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। तो मैंने सोचना शुरू किया कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, क्योंकि मैंने जो 20 साल में कमाया वो मोस्टली मैंने 3 साल में पूरा पैसा खो दिया। और मुझे ये भी समझ में आया कि जो 20 साल में मैं नहीं सीख पाया, अब मुझे और कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो मैंने सोचना शुरू किया व्हाट वेंट रॉन्ग। तो मेरे को समझ में आया कि कारपेट बनाने में मेरा बहुत बड़ा नाम हो चुका था। कारपेट के सारे बायर, इंडिया के एक्सपोर्टर ये बोलते थे कि मेरे जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो जब मैंने अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस किया, जयपुर शुरू किया, तो मुझे फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस, एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। और जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो समझ में आया कि ये एक मानसिक बीमारी है और इस बीमारी का नाम यूफोरिया। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि कैसे इस मानसिक बीमारी से मैं अपने आप को बचाऊं। इसके साथ साथ मेरी फेलियर का एक ये भी कारण था कि आई वाज एवरीवेयर। बिजनेस में जितने भी डिसीजन होते थे, जितने भी एक्शंस होते थे, उसमें हर जगह में होता था, हर जगह मेरा मतलब इंटरफियर होता था। तो मुझे समझ में आया कि मैं एक बर्फ का टुकड़ा बन चुका हूं। तो मुझे इस बिजनेस को चलाना है, मुझे बर्फ से पानी बनना पड़ेगा। और जैसे पानी को किसी भी बर्तन में डाले तो वो एक शेप ले लेता है, तो मुझे ऐसा ऐसा सरल बनना पड़ेगा। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया और मुझे समझ में आ चुका था कि अब मुझे अपनी लीडरशिप स्टाइल को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा,
अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपने प्रिसेप्शन को बदलना पड़ेगा कि अब मुझे एक ग्लोबल बिजनेस करना है। उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, सक्सेसफुल लोगों से मिलना शुरू किया। उसके बाद मेरी तीनों बेटियां अमेरिका बैठ के बिजनेस में आने लगी, दो बेटे थे वो भी बिजनेस में आने लगे, एंड बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग द लाइक द वाइल्ड फायर। बिजनेस खूब तेजी से बढ़ने लगा, तो इस ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए मैंने पढ़े लिखे लोगों को रखा, फ्रेश प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हायर किए, लेकिन मैंने देखा कि एवरीबॉडी पुट मी अपसाइड डाउन। तो मुझे समझ में आया कि नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज गेन विदाउट प्रैक्टिस डेवलप ईगो। तो फिर हमने सारे प्रोफेशनल्स को सिखाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू की, उस इनिशिएटिव का नाम दिया हमने हायर स्कूल ऑफ अनलर्निंग। उन सबको हमने ये बताना शुरू किया कि हमारे जितने भी जो प्रोसेसेस हैं उनमें बिना पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, तो आप इनसे समझिए और इन लोगों को कैसे डील करना चाहिए, इनसे कैसे सीखना चाहिए। मैंने भी उनको कोचिंग करना शुरू किया और उस वक्त हमने एक मैनेजमेंट फिलोसफी डिजाइन की, उसका नाम दिया फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ। द मोर आई लूज माई सेल्फ द मोर आई फाइंड माई सेल्फ। क्यों, ये मुझे समझ में आ गया कि ये जो नॉलेज का अहंकार है, ये जो ईगो है, ये ही सबसे बड़ी बाधा है। और जितने भी जो जीवन में बिजनेस में जो समस्याएं हैं उनका रुका जाए ईगो। 2004 में मैं एक बार एक किताब में पढ़ रहा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम, और क्योंकि मेरा बिजनेस खूब तेजी से बढ़ता जा रहा था तो मैं हर साल 4-5 हजार वीवर ऐड करता जा रहा था, स्टाफ ऐड करता जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इतने लोग बढ़ते जा रहे तो ये समस्या मेरे को भी आने वाली है। तो फिर मैंने सोचा कैसे इस समस्या का मैं हल, ये समस्या आने से पहले निकाल लूं। तो 2004 में मैंने जयपुर फाउंडेशन की शुरुआत की। उस फाउंडेशन को शुरू करने का एक मतलब था कि कैसे मैं इनके जीवन को टच करूं, कैसे इनके जीवन में परिवर्तन लाऊं। तो हमने फाउंडेशन के माध्यम से सोशल इनिशिएटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, जिसमें सारे व्यूवर्स के आर्टिजन कार्ड बनाए, सारे व्यूवर के बैंक अकाउंट खुलवाए। इसके अलावा सरकार की बहुत सारी स्कीम्स थी, उन स्कीम का उनको फायदा दिलवाया। इसके अलावा हमने उन व्यूवर की लीडरशिप और एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने के लिए हमने काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किए, और उस प्रोग्राम के माध्यम से उनका माइंडसेट चेंज किया। और आज जयपुर के जो ब्रांड है उसमें उनके माइंडसेट चेंज का एक बहुत बड़ा हाथ है। 2008 की बात है, एक बार मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे पास फोन आया, बोले आई एम सीके पहला। शायद सीके पलात को आप सभी लोग जानते होंगे, ही वॉज द नंबर वन मैनेजमेंट गुरु एट द टाइम। मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु मेरे को क्यों फोन कर रहा है, मैंने सोचा शायद रॉन्ग नंबर टाइप कर दिया होगा। मैं बोलूंगा आई एम एन के चौधरी, वो फोन काट देंगे। फिर बोले आर यू मिस्टर चौधरी। मैं बड़ा सावधान हो गया, मैंने कहा तो कुछ बात बड़ी है। फिर बोला मिस्टर चौधरी डू यू नो मी, तो मैंने कहा आपको कौन नहीं जानता। उस वक्त तो पूरी सरकार उनके पीछे लगी थी कि ये कुछ गरीबी को दूर करने का रास्ता निकालेंगे। तो उन्होंने बोला मिस्टर चौधरी आई वॉन्ट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। तो मैंने पहली बार सुना कि केस स्टडी और बिजनेस मॉडल क्या होता है। मैंने बोला सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड वॉट यू डू इज वेरी वेरी सिंपल। और अगर आप पड़ोसी को पूछेंगे तो वो पड़ोसी भी शायद हमें नहीं जानता, तो इतनी सिंपल चीजों को पढ़ेगा कौन। फिर उन्होंने बोला मिस्टर चौधरी योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट ग्लोबली बाई एनहांसिंग
the capability at the grass root. फिर उन्होंने जयपुर की 31 पेज की केस स्टडी की और उनकी जो किताब फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसमें सबसे पहली केस स्टडी जयपुर की है जो आज हार्वर्ड वार्टन दुनिया के सारे कॉलेज में पढ़ाई जाती है। फिर उन्होंने हार्वर्ड वार्टन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन भी लेक्चर के लिए बुलाया। सीके प्रहलाद की केस स्टडी पढ़ने के बाद हमें भी समझ में आया कि वी हैव डन समथिंग राइट। हम जहां पर हैं उसके पीछे क्या है, सबसे पहला है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हमारे बिजनेसेस में 60 प्रोसेसेस हैं, तो या तो मोस्टली प्रोसेसेस गवर्नमेंट बायस है या उन पे हमारा इन्फ्लुएंस होता है और ये सारी प्रोसेस पे हम कंटिन्यूस हमारे लोगों की कैपेबिलिटी को डेवलप करते रहते हैं। दूसरा जो मुख्य चीज है वो है डायरेक्ट कनेक्शन विद द व्यूअर्स। जब से मैंने इस धंधे को शुरू किया मैंने डायरेक्ट वीवर के साथ काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान की कारपेट इंडस्ट्री जब से शुरू हुई है सारे लोग कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, उसे छोटे वाले कॉन्ट्रैक्टर, देर आर सो मेनी कॉन्ट्रैक्टर्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द वीवर। और हम सारा रॉ मटेरियल, सारी क्वालिटी कंट्रोल, कच्चे माल का वहां छोड़ना, सारा पेमेंट बने हुए कारपेट का लाना, वी प्रोवाइड देम एट देयर डोर। अभी 4 साल पहले हमने एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत की जिसका नाम है फाउंडर मेंटेलिटी। बेनिन कंपनी की एक रिसर्च है, बेनिन कंपनी का वीडियो भी आपने देखा होगा, उन्हीं की एक रिसर्च है कि आउट ऑफ 1 मिलियन फाउंडर ड्रिवन कंपनी ओनली 2 कंपनी क्रॉसेस 100 मिलियन रेवेन्यूज। 10 लाख में से केवल 2 ही कंपनियां 100 मिलियन तक पहुंच पाती है, बाकी कंपनियां या तो छोटी रह जाती है या वो बंद हो जाती है। तो उन्होंने रिसर्च में पाया कि जनरली जो फाउंडर्स होते हैं वो अपनी लीडरशिप स्टाइल, अपने विजन, मिशन, वैल्यूज, पर्पस को डिफाइन नहीं करते। वो कभी ये डिफाइन नहीं करते भाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो उससे क्या होता है कि वो जो सेकंड जनरेशन आती है वो सेकंड जनरेशन को नहीं बता पाते, फिर वो सेकंड जनरेशन प्रोफेशनल को नहीं बता पाती। लेकिन क्या जब सेकंड जनरेशन बिजनेस को ज्वाइन करती है इट गिव्स ए ह्यूज एडवांटेज टू द बिजनेस, क्योंकि उनके पास एक एक्सपोजर होता है और उनके पास वो कैपेबिलिटीज होती है जो फाउंडर के पास नहीं होती है। तो बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ आती है, लेकिन उस वक्त एक जो सबसे बड़ी गलती जो रह जाती है उस ग्रोथ के टाइम, वो ये गलती रहती है कि रिसर्च बताती है कि फ्रंट लाइन इज द किंग, फ्रंट लाइन इज द हीरोज, फ्रंट लाइन इज द डूअर्स एंड डूअर पे द सैलरी टू द प्रोफेशनल्स, टू द थिंकर्स। जो ऑफिस के अंदर जो लोग बैठते हैं उनको थिंकर बोलते हैं, तो फ्रंट लाइन थिंकर को हायर करती है कि उनके काम को वो सिंपल करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी जो प्रॉब्लम्स है उनको एक सेंट्रल सिस्टम बना के उसे हल करे। लेकिन क्या है कि सेकंड जनरेशन दे आर टोटली अवे फ्रॉम द फ्रंट लाइन। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं और जो सेकंड जनरेशन होती है दे स्टॉप लिसनिंग द फ्रंट लाइन। और जब कोई भी बिजनेस में जब फ्रंट लाइन को सुनना बंद कर देते हैं तो बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कहते हैं कि अगर आप कोई भी डिसीजन ऐसा करते हैं जिसमें फ्रंट लाइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यू आर क्रिएटिंग द डेथ वेट फॉर योर कंपनी। तो बेनिन कंपनी हमें इसमें काफी मदद कर रही है कि वापस लाए। और इसमें क्या जो हमेशा जो स्ट्रेटेजी जो बनती है वो पुश डाउन होती है।
लेकिन फाउंडर मेंटेलिटी के हिसाब से स्ट्रेटेजी हमेशा फुल्ड अप होनी चाहिए। जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ वो उन्हीं लोगों को साथ लेके बनानी चाहिए। अभी हम लोग सक्सेशन प्लानिंग पे भी काम कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा 5 बच्चे मेरे साथ काम करते हैं, मेरी 2 बेटियां यूएस की कंपनी चलाती है और 3 बच्चे मेरे यहाँ पर मेरे साथ हैं, तो हम मैनेजमेंट, बिजनेस और फैमिली तीनों को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं और पूरी कंपनी में प्रोफेशनल ला रहे हैं। अब मैं अपनी बात को अंत करूंगा एक छोटी सी कहानी से कि जब मैं बीकॉम के लास्ट ईयर में पढ़ता था तो हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर थे, बड़े स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे, एक दिन क्लास में आए, आके बोले ये रोल नंबर किसका है, वो रोल नंबर मेरा था। तो वो बड़े स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे तो बोला ये खड़े हो, तो मैं खड़ा हुआ, तो मैंने सोचा आज कुछ पनिशमेंट मिलेगा, उस वक्त तो पनिशमेंट मामूली बात थी कॉलेज में। फिर मैंने सोचा मैंने गलती तो कुछ की नहीं, पनिशमेंट किस चीज का देंगे। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक टेलीस्कोपी निकाली और सब पूरी क्लास को दिखाई कि देखो इस लड़के ने क्या आंसर लिखा है। सवाल था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मैंने जो जवाब दिया, बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। तो प्रोफेसर बोले ये लड़का एक दिन यूनिक बिजनेसमैन बनेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ सवाल है, मतलब जब आप बोल रहे थे, जैसे आपने कहा कि जब आप ग्लोबल बनाने का आपने जब सोचा तब आपने हैबिट्स चेंज किए, आपने आपकी लीडरशिप स्किल्स चेंज की, क्या हैबिट्स चेंज किए आपने? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मुझे याद आता है कि शायद तब मैं बहुत रिएक्टिव था, कोई भी आदमी मेरे कमरे में आता, कोई पूछता तो मैं रिस्पॉन्स के बजाय रिएक्शन करता था, बिना सोचे जवाब देता था। और हर चीज में मैं अपना अपना सुझाव देता था। तो ये वाली हैबिट को मैंने सबसे पहले चेंज किया। दूसरा फिर यह था कि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है। तो धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये भी समझ में आया कि ये बिजनेस के जितने भी जो हिस्से हैं वो सारे हिस्सों को मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैंने उन सब चीजों को सीखा शुरू किया, तो इस तरह की काफी चीजें मैंने सीखी। मनु खेरा हैज अ क्वेश्चन। मनु जी, इफ यू कैन कम ऑन कैमरा एंड आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते चौधरी जी, आपकी जो पिछले आधे घंटे की जो बातचीत बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई थिंक यू आर डूइंग मोर सोशल वर्क देन बिजनेस, ऑल्दो इट इज बिजनेस क्लासिफाइड एज अ बिजनेस, बट आई थिंक जो देश की गरीबी की प्रॉब्लम है उसका एक इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू टैकल the question of poverty in India. So my question is related to your business model, ke aapka ek cooperative model hai, jaise similar to Amul, jaise Amul milk cooperative chala raha hai, aap aise weavers cooperative chala rahe hain. Ab isme agar aapne 40,000 weavers enroll kiye hain aur maan lo har weaver mahine mein 2 carpet banata hai example, aur agar aapka jo sale hai is less than say half of what is produced for whatever business reasons, how do you manage the inventory? Do you take it, do you compulsorily buy that inventory from the weaver, or that is a weaver's loss that he keeps the inventory with himself? Who bears the cost of extra inventory in this model? वो monthly basis पे करते हैं कि वो जितना भी जो काम करते हैं उनकी एक PPR बोलते हैं, production progress report बनती है, और जितना महीने में वो काम करते हैं उतना पैसा उनके bank account में चला जाता है, और सारा रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं और बना हुआ सारा माल भी हम उनसे लेके आते हैं। तो वीवर को इन्वेंटरी का रिस्क आपका है, मतलब पूरा रिस्क आपका है? हाँ जी, बिल्कुल जी। ओके, थैंक यू, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन। अच्छा, थैंक यू जी।
Thank you. Anurag, do you want to come next? Sure. Thank you, Shruti. चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. जिस तरीके से आपने इतना अच्छे से अपनी बातों को रखा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कालीन के धागों को नहीं बुन रहे हैं, आप तो समाज के कई लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो महिलाएं हो. जिस तरह से आप इन सबको आगे लेके आए हैं, आई थिंक इट्स कमेंडेबल. थैंक यू. मुझे एक छोटा सा खाली एक संशय था जो मैं आपसे जानना चाहता था. बिजनेसेस में हम लोग कई बार ग्रोथ की बात करते हैं, और कई बार पीपल ओरिएंटेशन या फिर स्टेक होल्डर्स को खुश करने की बात करते हैं, और कई बार हमको वो निर्णय लेना पड़ता है कि हम अपने कर्मचारियों के लिए अच्छा करें या हम अपने स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा करें जिन्होंने हमारे कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं. आपका क्या इसमें संदेश होगा? जी देखिए, मैं जो बिजनेस को समझता हूँ कि कोई भी जो फाउंडर होता है उसकी वो किसी समस्या को हल करने के लिए बिजनेस को शुरू करता है, और उसके पास एक कोर होती है जिससे वो जो वो कोर उस बिजनेस की जड़ जड़ होती है. तो हमेशा बिजनेस में आपकी जो कोर है उस कोर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. द डीपर यू गो इनटू योर कोर, you are making harder and harder for your global competitors to copy you. तो जहां तक स्टेक होल्डर है, कर्मचारी है, या हमारे जैसे काम में जो बीवर है, मैंने तो अपने पूरे जीवन में सभी को समान समझते हुए ना इस काम को किया है. तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब जो स्टेक होल्डर्स है उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत होती है. क्योंकि मैं तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि ये जो वीवर है, इधर वीवर है, इधर एंड कंज्यूमर है. जयपुर तो एक प्लेटफॉर्म है दोनों को जोड़ने वाला. तो वीवर की वजह से आज जयपुर एग्जिस्ट करता है. अगर वीवर खुश नहीं होंगे, वीवर अच्छा नहीं कमाएंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो न तो मेरे पास एम्प्लॉय होंगे, न मेरे पास स्टेक होल्डर होंगे. थैंक यू. सर, हमेशा से मुझे एक क्वेश्चन था. जयपुर रग्स के जो रग्स हैं, काफी लग्जरी सेगमेंट में आपने प्लेस किया हुआ है. दे आर वेरी एक्सपेंसिव. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड व्हाई डू यू थिंक लोग अभी भी खरीदते हैं उसे और खरीदते रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपका. देखिए, मैं जयपुर की एक टेक लाइन है कि वी डोंट सेल द कारपेट, वी सेल द फैमिली ब्लेसिंग्स. इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं कि अभी पिछले साल अक्टूबर में करीब 40 देशों के 400 लोग फैमिली बिजनेसेस के पूरे वर्ल्ड से उदयपुर में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आए थे. तो मेरा भी उसमें प्रेजेंटेशन था. तो मैंने प्रेजेंटेशन देने के बाद जब मैं स्टेज से नीचे आया तो काफी लोगों ने मेरे को बोला कि चौधरी साहब, आप अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, हम कारपेट खरीदना चाहते हैं. मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि वी डोंट सेल द कारपेट. तो फिर सब लोगों ने यस, हमें याद आ गया, यू सेल द फैमिली ब्लेसिंग्स, जयपुर सेल द स्टोरीज, जयपुर सेल द एक्सपीरियंस, एंड द कारपेट इज फ्री. लवली. राज हैज अ क्वेश्चन. राज, आप ऑनलाइन आके पूछ लीजिए. Hello Chaudhary ji, good afternoon, good evening actually. My question is actually regarding abhi jo situation chal raha hai, aapka jo carpet actually lifestyle product mein aayega, not exactly a necessity. So agle 12 to 18 months for example, I think any lifestyle luxury product industry ka kafi challenges aayenge. So how do you think aap kaise tackle kar payenge isko? Dekhiye, abhi to kya hai ki लग्जरी और सारा ही माल रुका हुआ है. तो पूरा बिजनेस ही पूरी तरह रुका हुआ है. हमारी जो यूएसए की कंपनी है वहां भी रुका हुआ है, यहाँ भी काफी अच्छा कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि जो लग्जरी मार्केट है वो बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है. अभी जितने जो बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल जो बन रहे हैं जहाँ पर हमारे कारपेट की मांग है, तो सारी आर्किटेक्ट्स वगैरह से हमारी दुनिया भर में बातचीत चलती रह रही है.
तो ठीक है, थोड़े दो चार छह महीने के लिए ना उस पर फर्क जरूर आएगा, और हो सकता है 12 महीने के लिए थोड़ा लग्जरी मार्केट 15-20% थोड़ा डाउन भी जाए, लेकिन आगे इस पे कोई बहुत ज्यादा इतना बड़ा असर नहीं आएगा। और दूसरा, अभी जो एक जो नया ट्रेंड निकल के आ रहा है कि इस ये जो अभी जो पूरे दुनिया जिस तकलीफ से गुजर रही है, उसने पूरे दुनिया को ये सिखाया कि अपने जीवन में एक पर्पज होना चाहिए। इतनी जो भागदौड़ करते हैं हर आदमी, कितनी भागदौड़ कर रहा है मतलब, और कितनी अपनी आवश्यकता को बढ़ा रहा है, तो इस भागदौड़ करने का मतलब क्या है? तो सभी को एक पर्पज समझ में आ रहा है कि मैं कोई चीज करता हूं तो उसके पीछे पर्पज क्या है मेरा। तो हमें ऐसे लगता है कि आने वाले समय में जो पर्पज ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, और जयपुर रख को एक हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना जाता है कि जयपुर हीज द सोसाइटी एंड हीज द कस्टमर। तो आने वाले समय में यह पर्पज ड्रिवन और हीलिंग की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मुझे फ्यूचर में इसके लिए कोई ज्यादा मतलब डर नहीं लगता। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंटरेस्टिंग। विशाल आनंद हैज अ क्वेश्चन। विशाल आप भी आ जाइए, ऑनलाइन पूछ लीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है जो मैं लाइव आप के साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ, एंड थैंक्स थ्रू माय ग्रेटिट्यूड टू श्रुति एज वेल कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा। मैं बहुत टाइम से मतलब आपके बारे में पढ़ता आ रहा हूँ, काफी आपको फॉलो भी करता हूँ, और सर मतलब एक ट्रिमेंडस स्टोरी, मतलब मैंने ऐसी बहुत ही कम सुनी है जो रियल लाइफ में एक ह्यूमन एक बेसिक नीचे से लेकर और ऊपर तक कनेक्ट करते हैं, वो भी लग्जरी सेगमेंट में। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने एक सेंटेंस बोला था, लर्न टू अनलर्न, लर्न अनलर्न वाला प्रोसेस कितना आपके लिए, जो आपने कहा कि मैंने वो लर्न अनलर्न वाला जो अपने मैनेजर्स को सिखाया, तो वो कितना आपके लिए आसान था वो सिखाना या उस एटीट्यूड को अपनाना कि किस कोई बंदा प्रोफेशनल है? बहुत मुश्किल होता है लोगों को मतलब अपने कंफर्ट जोन से, वो अपनी ईगो से बाहर जाना कि नहीं मैं तो बहुत जानता हूँ और ये मैं तो इस आईवी लीग कॉलेज से निकला हुआ हूँ और ये बंदा मेरे को क्या सिखाएगा। बहुत मुश्किल होता है सर, मैंने बहुत देखा है जहाँ पे मैंने काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। तो लोगों को ये समझाना है कि भाई एक छोटा बंदा भी आपको लर्निंग दे सकता है, एक एक, एक किसी से भी आप लर्निंग ले सकते हैं, बट बहुत मुश्किल होता है। तो सर आपने किस तरह से इसको अपने मैनेजर्स को, अपने मतलब जितने भी लोगों को आपने सक्सेसफुल बनाया इस जर्नी में, कैसे आप कर पाए सर इसको? देखिए वैसे तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, और शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी जयपुरक बनाने के बाद में जो सबसे बड़ी गलती मैंने की, या ये बोल सकती है मैं जिसको जानता नहीं था, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हायर द रॉन्ग पीपल, और उसके वजह से आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, हमने कितनी इससे करीब 10 times अपॉर्चुनिटी खोई है बिजनेस में। आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे अपने बिजनेस करने का पर्पज का पता चला, जब बेन इंड कंपनी ने उस पर्पज को डिफाइन किया, हमारी जो कोर है बिजनेस की उस कोर को डिफाइन किया, तो मुझे ये समझ में आया कि अब मुझे ऐसे लोग ही रखने चाहिए, दे आर हाईली अलाइंड विद द पर्पज ऑफ जयपुर एंड दे आर द हाईली अलाइंड विद द पर्पज ऑफ जयपुर। अब सवाल ये था कि ये पर्पज वैल्यूज इनकी समझ तो आ गई, अब ऐसे लोगों को लाएं कहां से? तो फिर मैंने जितनी जो हायरिंग की वहां भी गलती हुई, अब पर्पज को कैसे समझे लोगों के अंदर, उनके जीवन का क्या पर्पज है, उन लोगों की क्या वैल्यूज है, जयपुर से मिलती नहीं मिलती है, तो उसके लिए मैं बड़ा दुखी रहता था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो मुझे ऐसी एंटीस बनाई कि मैंने कहा कि आज तक जितने भी जो हायरिंग की है मोस्टली 80-90% हमेशा फेल कर जाते हैं। फिर बच्चे अमेरिका पढ़ लिखे, बोले पापा आप हमको शामिल करो हायरिंग में, तो उनको शामिल किया तो उसी बड़ी गलतियां होने लगी। तो फिर मैंने सोचा ऐसा कोई राज तो कोई अलग ही है जिसको मैं जानता नहीं।
तो फिर मेरे को इंटीस बनाया, मैंने एचआर के लोगों को बुलाया, मैंने बोला कि आज से एचआर डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दो, नया नाम रखा हमने सर्च फॉर डिवाइन सोल। और मैंने उनको बोला कि आज से आप जिन लोगों का जब इंटरव्यू लेते हैं ना, आप उनके एक्सपीरियंस का, उनकी डिग्री का, उनके कपड़े का, कौन सी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, केवल वो ही नहीं देखना है, आपकी उनके अंदर जो सोल है वो कैसे संस्कार है उस आदमी के, उनके जीवन का पर्पज क्या है, उसका पेशन पेशन क्या है, और वो जो करना चाहता है वो क्यों क्यों करना चाहता है, उसके हमने क्राइटेरिया बनाए। और मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि 2 साल में ना मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता, और शायद ये सारे लोग ना दे विल क्रिएट ए टोटली न्यू फ्यूचर, क्योंकि मैंने ऐसे लोग लिए जिनके अंदर वो वैल्यूज हैं, जो पर्पज है। तो रास्ता तो बहुत कठिन है। सही सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैं लर्न अनलर्न का प्रोसेस बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ, और मैंने पहली बार मतलब किसी लीडर के मुंह से ये बात सुनी कि जो लर्न अनलर्न को मतलब उसने जोर दिया पहले ही अपने शुरुआती तौर पे। मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा सर बहुत बहुत आपको, कि मैंने मतलब ट्रूली वेरी ऑनेस्टली मैंने नहीं सुना था लर्न अनलर्न को। मैं खुद फॉलो करता आ रहा हूँ इस चीज को काफी टाइम से, बट लोगों में देखा नहीं था सर। तो बहुत बहुत सौभाग्य मेरा आपसे मुखातिब हुआ सर, और धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस एक मैं छोटी सी बात आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने भी कुछ ऐसे एक दो बहुत अच्छे कोच लिए मेरे लिए, और मैंने भी उनकी कोचिंग लेनी शुरू की, तो मुझे अपने अपने बारे में भी समझ में आया कि जयपुर का जो ब्रांड है, जयपुर का जो नाम है, जयपुर को मुझे एक नई ग्रोथ देनी है तो मुझे भी अनलर्न करना पड़ेगा, एंड मुझे अपने आप को खोना पड़ेगा, हाउ आई कैन डिसअपीयर मायसेल्फ। क्योंकि जब एक आदमी का नाम, जब नाम हो जाता है बिजनेस में, ब्रांड बन जाता है, तो वो एक समय होता है आदमी का कि वो वापस एक बच्चे जैसा कैसे कैसे बने, कैसे एक बच्चे जैसी सरलता लाए। तो अभी मैं भी उस रास्ते पे हूँ, अनलर्निंग वाले पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सर ने जैसे अभी लर्निंग अनलर्निंग की बात की, आई डोंट थिंक सर को शायद याद भी होगा, मैं पहली बार जब सर को मिली थी, पहले हम लंच पे मिले थे, तब काफी लोग थे साथ में, उसके बाद में मैंने बोला कि मुझे सिर्फ आधे घंटे सर के साथ बात करनी है, और जब मैं मिलने गई तब मैं उनसे सीखने गई थी, बट आई रिमेम्बर व्हेन आई एंटर्ड द मीटिंग, सर डायरी और पेन लेकर बैठे थे, एंड ही स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन विद आज तो आपसे कुछ सीखेंगे, एंड आई थॉट तो और वो बहुत एम्बैरेसिंग भी था, इंटिमिडेटिंग था, मैंने बोला आप मुझसे क्या सीखोगे। बट दैट वॉज अ वेरी बिग लर्निंग इन इटसेल्फ, कि आप हर एक से सीखने की कोशिश करते हैं। आप मुझे जानते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल यू हैड योर पेन एंड पेपर ओपन, एंड दैट इज समथिंग आई हैव बीन फॉलोइंग। मैं किसी को भी मिलने जाती हूँ हमेशा मेरा पेन और डायरी लेके जाती हूँ। थैंक यू सर। आपने जैसे अभी इनके जवाब में कहा कि पर्पस ड्रिवन लोगों को आप ढूंढते हैं, कहाँ मिलते हैं ये पर्पस ड्रिवन लोग, कैसे आप उन्हें ढूंढते हैं, क्या है उनसे? देखिए क्या कि जब बेन एंड कंपनी ने हमारा जब पर्पस डिफाइन किया, तो मैं बड़ा चिंतित था कि कैसे ऐसे लोगों को खोजूं, और 2 साल तो मेरे ऐसे खराब गए थे कि मतलब मैं एक भी आदमी 2 साल में ऐसा नहीं ला पाया जो पर्पस ड्रिवन हो। मैंने बड़ी 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 भारी कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मैंने क्या देखा है कि मैंने कॉलेजों में लेक्चर देना शुरू किया, हिंदुस्तान के काफ़ी कॉलेजेस, मतलब करीब 100 के करीब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस में आने लग गए, विलेज में जाने लग गए, तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ता चला गया, और जितने भी जब वो स्टूडेंट आते थे, मैं कॉलेज में जाता था, तो ये पर्पज वाली बात मैं जरूर करता था, और मैं उनको ये बताता था कि मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनके अंदर लाइफ का पर्पज है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि जब मैं ये बात करता था, तो काफी जो लड़कियां होती थी वो तो रोने रोने लग जाया करती थी,
बोले हमारे माँ बाप ने कभी भी हमको ना इस तरह से नहीं समझा जिस तरह आपने आपने समझा है। तो फिर धीरे धीरे ये बात थोड़ी फैलती फैलती चली गई, और उसके बाद फिर 6 महीने पहले ऐसा एक पॉइंट आया कि अब मतलब काफी सारे ऐसे सीवीज आने लग गए। फिर जो पर्पस ड्रीवन जो लोग हैं, जब 2 साल में जितने पर्पस ड्रीवन लोग आए, तो उनके जो दूसरे दोस्त थे, जानने वाले लोग थे, उनके सामने वो बातें करने लगे कि हमें काम में इतना इतना मजा आता है, आई गॉट द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और मैंने 6 महीने पहले ये भी बताया कि आप लोगों का जो पेशन है, उस पेशन को ही आप अपने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है। आप 3 महीने में मेरे को ये बताओ कि कंपनी में ऐसे कौन कौन से काम है जो आपके पेशन से मिलते हैं, और फिर आप मेरे को एक्शन प्लान बना के दो। और जब ये बात स्टूडेंट्स वगैरह तक पहुंची तो और ज्यादा उससे लोग आने लगे। क्योंकि आजकल काफी हम हायर जॉब करते हैं, सैलरी ड्रिवन ज्यादा होते हैं, पर्पस ड्रिवन बहुत कम होते हैं। सर्वेश, वुड यू लाइक टू कम ऑनलाइन टू आस्क अ क्वेश्चन? सर्वेश कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट हिज क्वेश्चन इज, सर, when you are working with people, team, weavers, transporters, there are times when your polite behavior is taken for granted. How have you dealt with that situation? अच्छा, मतलब एक बार सवाल दोबारा बताइए थोड़ा। उन्होंने पूछा है जब आप weavers से या transporter लोगों के साथ जब काम करते हैं, तो कभी कभी जब आपकी जो सरलता होती है, आपका politeness जो होता है, उसका वो लोग फायदा उठाते हैं बिना बात के, तो आप ऐसे situations को कैसे deal करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत 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 अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मतलब जो अभी तक जो बिजनेसेस हैं, परिवार है, समाज है, उसमें जो जितने भी जो इनोसेंट लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, वो सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि जो सिस्टम है ना, दैट इज ड्रिवन, जो चालाक लोग हैं उनके द्वारा वो सिस्टम सारा संचालित है। तो शुरू शुरू में मैंने स्टाफ में, ट्रांसपोर्टर में, कस्टमर में, ऐसे कस्टमर भी थे विदेश के कितने कितने सारे, जिन्होंने इतना बुरी तरह चीट किया मेरे को। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि मेरे को ये समझ में आया कि जो जो इनोसेंसी है, इनोसेंसी इज द बिगेस्ट करेज। तो फिर हमने ऐसे बहुत सारे नॉन निगोशिएबल बनाए, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस डाले, और हम धीरे 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 बहुत स्ट्रिक्ट होते चले गए। और जो जितने भी जो चालाक कस्टमर थे, चालाक ट्रांसपोर्टर थे, जितने भी जो हमारे स्टाफ में इस तरह के लोग थे, जो केवल माइंड से काम करते थे, हार्ट से काम नहीं करते थे, उन सारे लोगों को रिप्लेस कर दिया। और जब मेरे बड़े वाली बेटी अमेरिका से पढ़ लिख के आई, तो जब कस्टमर आते थे तो मैं तो एकदम सीधा साधा था, मुझे बार्गेनिंग करनी भी नहीं आती थी। तो वो इतने कम रेट देके जाते थे कि ज्यादातर मैं घाटे का सौदा करता था। तो उस बेटी को इतना गुस्सा आता था कि बोला, पापा इन सारे लोगों को मैं एक दिन पाठ पढ़ाऊंगा। और आज अमेरिका में उसने इतना बड़ा ब्रांड बनाया कि आज एक भी पूरे मतलब इंडिया बिजनेस में, अमेरिका बिजनेस में एक भी ऐसा कस्टमर नहीं है जिसमें हमारा कोई 1 रुपया भी साल में जब आपको लगता है बस अब ये नहीं करना है, बहुत जब एकदम चैलेंज होगा, तो उस समय फिर आप अपने आप को वापस कैसे बैक ऑन ट्रैक लाते और उसको और जोरों से चलाते आगे? अच्छा जी, आपकी थोड़ी आवाज कट गई थी। आप ये कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई चैलेंज आता है, तो वापस आप कैसे संभलते हैं? सर्वेश, कैन यू रिपीट? जी, आपको जब लाइक पर्सनल बात से होता है, जब एज अ बिजनेस पर्सन आप इंडिविजुअल लेवल पर, कभी होता है कि अंदर से कभी कभार हम हार गए कि बस अब बहुत हो गया, अब कुछ और करेंगे, या सेल्फ डाउट में आ जाते, तो ऐसे समय सर आई थिंक सर्वेश ये पूछ रहा है कि कभी कभी आपको
वो एक फीलिंग आता है कि अब बहुत हो गया, बस हो गया, आप नहीं करना. और अगर ऐसा कभी फीलिंग आता है तो आप वापस से कैसे अपने आप को आपके पर्पस पे वापस लेके आते हैं कि नहीं, लाइक दिस इज नॉट द टाइम टू क्विट, अभी छोड़ नहीं सकते इसे. हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, मैंने देखा है कि जब से मैंने इस धंधे को शुरू किया तब से लेके आज अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं. अभी लोग बहुत पूछते हैं कि आपका इतना नाम है, आपका इतना ब्रांड है, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती होगी. लेकिन अब वो चैलेंजेस ग्लोबल हो गए. जब मैंने 42 साल पहले किया था तब छोटे चैलेंज थे, अब वो चैलेंज दिन पर दिन बड़े होते जा रहे हैं. लेकिन देखिए, मैंने जो जाना कि अपने अंदर एक कंपास होता है, हर आदमी के अंदर एक कंपास है. वो कंपास अगर अपने उसको सही ढंग से सुनते हैं कंपास को, तो वो कंपास बताता रहता है कि आर यू इन द राइट डायरेक्शन. तो मेरा मतलब ये कि आप जितना अपने आप को सुनेंगे, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे, तो उतने जितने भी आपके पास चैलेंजेस आएंगे, आपको अंदर से पता चलेगा कि आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और एक दिन आप अपनी मंजिल को पा लेंगे. सर, एक बहुत ही पॉपुलर एजम्पशन है कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपको छोटों को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है. मतलब इवेंचुअली आप जितने भी बड़े बिजनेसेस को देखेंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म बढ़ा है क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन किया है छोटे लोगों का. तो आपको क्या लगता है, लाइक आपको कभी मन नहीं करता कि आप भी एक्सप्लॉइट करके कितना कुछ कर सकते हैं, आगे कितना बड़ा बना सकते हैं इसे और भी? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए, बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं. एक तो बिजनेस है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो होते हैं, दे आर ड्रिवन बाय द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. और जब कोई भी आदमी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बिजनेस करता है तो वो भय से ड्रिवन होता है. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भय आता है, और भय से क्या है, आदमी बहुत ज्यादा एक्टिविटी करेगा, चीजों को इकट्ठा करेगा. उसके अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक स्पेस रह जाता है, तो ही वांट टू फिल अप दैट स्पेस. तो वो ज्यादा कमाएगा, ज्यादा बड़ा बिजनेस करेगा, हर चीज बड़ी बड़ी करने की कोशिश करेगा, और उस भय से वो ये भूल जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो इथिकल है या नॉन इथिकल है. किसी के मैं जो कर रहा हूं उससे किसी का जीवन बन रहा है या जीवन बिगड़ रहा है. एक बिजनेस होता है ड्रिवन बाय द कंपैशन. जब आप लव और कंपैशन से ड्रिवन होते हैं, तो आपके अंडर में जितने भी जो लोग होते हैं, उन लोगों को आप बड़ा बड़ा बनाते हैं, और उन लोगों को जितना बड़ा बनाते हैं उतने बड़े आप होते जाते हैं. इसके मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं. एक विमला देवी बोल के एक विवर महिला, जो आज तक कभी स्कूल नहीं गई, उसने अपने खुद की डिजाइन का कार्पेट बनाया और उसको जर्मन डिजाइन अवार्ड मिला. तो वो जर्मनी गई, मेरी बेटी उसको साथ लेके गई, बिल्कुल अंगूठा छाप है वो. तो जब वो जर्मनी से वापस आई अवार्ड लेके, तो दिल्ली में कितने सारे पत्रकार ने उसको घेर लिया, उसको पूछने लगे कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है. फिर मैंने उसको टेलीफोन किया, मैंने कहा विमला देवी, इतने दिन तो मेरे को जानते थे, अब लोग मेरे को तुम्हारे नाम से जानेंगे. तो आज हमारी विवरों की इतनी पहचान हो गई है कि उनके नाम से ना जयपुर रखो या मेरे को लोग जानते हैं, और वो पहचान इतनी बड़ी होती जा रही है. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इन लोगों को इस लेवल की डिग्निटी देंगे, इनको इतना ऊपर लाएंगे. तो एक दिन जयपुर के ब्रांड को ये लोग यहाँ से लेके चले जाएंगे. लवली. सर, विश्वास का एक क्वेश्चन है कि हैव यू एवर स्टक इन अ मोमेंट वेयर यू आर फोर्स्ड. कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया है जब आपको आपके बिजनेस मॉडल को चेंज करना पड़ा हो, और आप मतलब ऐसा आपको कंपल्शन किया हो बट फिर भी आपने उसे रेजिस्ट किया और जो आपने मॉडल बनाया है उस पर आप डटे रहे? देखिए, वैसे जयपुर का जो बिजनेस मॉडल है ना, इसकी ऑर्गेनिक ढंग से ग्रोथ हुई है. मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से बिजनेस मॉडल बनाऊंगा, ये करूंगा. लेकिन फिर भी काफी बार ऐसा जरूर हो जाता है कि जैसे कोई प्रोफेशनल आते हैं बड़े पोस्ट पे और वो बिजनेस को समझते नहीं, तो वो ऐसा जरूर सुझाव देते हैं कि इस बिजनेस मॉडल में ये चेंज कर लीजिए, वो चेंज कर लीजिए. लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है और हम लोग फ्रंट लाइन को शामिल किए बगैर कोई डिसीजन नहीं करते हैं, तो अभी ये सब चीजों से हम लोग बहुत बचे हुए हैं.
वंडरफुल सर. सर्वेश का एक और क्वेश्चन था कि आपने काफी यंग एंटरप्रेन्योर्स से बातें करते होंगे, आप स्टार्टअप्स को मिलते होंगे, आपके हिसाब से उन्हें कहाँ चेंज करने की जरूरत है, कहाँ हम गलत हो रहे हैं? हाँ जी, ये बहुत देखिए मैं मतलब मेरा बहुत समय जाता है मतलब स्टार्टअप से मिलने के लिए, और जो स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे मिलने के लिए. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक आदमी क्या है कि कोई भी जो डिसीजन करता ना अपने बिजनेस का या अपने नौकरी करने का, वो इसलिए नहीं करता है कि मेरा पैशन क्या है, वो इसलिए करता है कि दूसरा ये कोई काम कर रहा वो अच्छा कमा रहा है तो मैं भी उसकी दौड़ में लग जाऊं, कोई दूसरा अच्छा कर रहा है इसके लिए मैं अच्छा करना चाहता हूं. तो ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना उसको उससे कोई भी आदमी बिजनेस नहीं करे. और जितने भी जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बिजनेस करते हैं उनको कंपैरिजन कंपनी बोलते हैं, एंड ऑल द कंपैरिजन कंपनी इज बोर्न टू डाई. उन कंपनियों को तो बंद होना ही होना है, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 30 साल चलेगी, लेकिन एक दिन वो कंपनियां बंद हो जाएगी. तो जितने भी जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मेरा एक ही सुझाव है कि जस्ट बी योरसेल्फ, डिफाइन योरसेल्फ और वो बी डिफाइन. आप अपने पैशन को जाने हैं, आप ये जाने में मुझे मेरी वो नेचुरल टैलेंट कौन सी है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, आप उसी को बिजनेस बनाए. और एक साथ आदमी जो इतना एम्बिशियस और आपका जो पैशन है ये बुखार में भी नहीं बदल जाए, क्योंकि यंग एंटरप्रेन्योर आते हैं वो इतनी तेज दौड़ में लग जाती है कि बस मुझे तो नंबर वन बनना है, मुझे अपने कॉम्पिटिटर से आगे आगे जाना है. तो आपका जो पैशन है दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू द फीवर. और जब बुखार हो जाती है तो आप अपने बस में नहीं रहते, बुखार के बस में हो जाते हैं. योर पैशन शुड बी कन्वर्टेड इन टू द कंपैशन. वेरी ट्रू. आई थिंक जलपा हैज अ क्वेश्चन. अन्नपूर्णा, वुड यू लाइक टू कम ऑनलाइन टू आस्क अ क्वेश्चन? सर अंकित का सवाल है, आपको गवर्नमेंट से क्या क्या तकलीफ हुई आपके बिजनेस करने में और आपने कैसे उसे टैकल किया? देखिए जब से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया सरकार ने, वैसे जो कारपेट इंडस्ट्री ये क्या है कि गांव के अंदर हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट देती है, और स्पेशली क्या इसमें काम करने वाली वुमेन है जो अपने घरों में बैठ के काम करती है. तो जब से मैंने शुरू किया आज तक सरकार की तरफ से ना ऐसी कोई बड़ी बड़ी तकलीफ नहीं आई. बस इतना जरूर है सरकार का भी ऐसी स्कीम्स नई नई योजनाएं निकालती रहती है कारपेट वीवर के लिए और बहुत तरह के लिए, बस वो ज्यादातर प्रैक्टिकल नहीं होती. सर अन्नपूर्णा का सवाल है, इन दिस कोविड टाइम्स आपने मतलब इन अभी कोरोना वायरस के टाइम पे क्या आपने आपके बिजनेस मॉडल में कोई चेंजेस लाए हैं, आप लोग डिजिटली कैसे अपने आप को बढ़ा रहे हैं? आज देखिए क्या है कि हम लोग भी पिछले 32 दिन से घर पे बैठे हैं. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जितनी भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है उनकी स्टडी करके उनको बंद करने में लगे हैं. जितने भी नॉन वैल्यू एडिंग डिपार्टमेंट है या ऐसे लोग जो बिजनेस में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते उन लोगों को फाइंड आउट करना, और दूसरा जो हाई पोटेंशियल लोग हैं उन लोगों को डेवलप करना. जैसे दिन में अभी भी मैं 2 से 3 घंटे देता हूँ कि जो हाई पोटेंशियल लोग हैं उन लोगों को कैसे डेवलप करें. सर मनु जी का सवाल था कि जब आपके बच्चे फॉरेन से पढ़कर आए तो क्या आइडियोलॉजीज में डिफरेंस था जब उन्होंने बिजनेस आपका ज्वाइन किया, और कैसे आपने उन डिफरेंसेस को कवर किया? हाँ जी बहुत अच्छा सवाल है. देखिए क्या है कि जब सेकंड जनरेशन जब बिजनेस में आती है तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में जो ओपिनियन का डिफरेंस निश्चित रूप से होता है. लेकिन मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मेरी ओपिनियन में बच्चों की ओपिनियन में डिफरेंस है, फिर पांचों बच्चों की ओपिनियन में भी डिफरेंस है. लेकिन जब 4 साल पहले जब बेनिन कंपनी ने हमारे पर्पस को डिफाइन किया,
हमारी कोर को डिफाइन किया, तो उन्होंने सारे बच्चों के सामने मेरे को बोला मिस्टर चौधरी इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने अपनी कोर को बच्चों को बताया नहीं, आपकी वैल्यूज को बच्चों को नहीं बताया आपने। तो उन्होंने तो यहां तक बोला कि सारे बच्चों बोला कि यू मस्ट बी सेड एज ए चेयरमैन बिकॉज दैट इज योर मिस्टेक। तो फिर हमने सारे बच्चों को वो पर्पज कम्युनिकेट किया, मेरी जो वैल्यूज थी उनको कम्युनिकेट किया। तो बिजनेस के नॉन निगोशिएबल थे वो सारे नॉन निगोशिएबल बनाए, उसको कम्युनिकेट किया। फिर हमने फैमिली गवर्निंग काउंसिल बनाई, फैमिली की एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर हम लोग जॉइंट में डिसीजंस कर सके, सब लोगों के पावर को डिफाइन किया, सबके अंदर जो डिफरेंसेस है उसके लिए हमने एक दो कोच भी हायर किए और फैमिली कंसल्टेंट भी हायर किए। तो उस तरह से उस समस्या को हमने उसको दूर किया और उसकी वजह से एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बना कि अब हम अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को कंपनी में लाने के लायक हो गए। सर जब आप कहते हैं कि पर्पस डिफाइन किया, हम पर्पस कैसे डिफाइन करते हैं, कंपनी अपना पर्पस कैसे डिफाइन करती है? देखिए कोई भी जो फाउंडर होते हैं, मतलब दुनिया में जितने भी फाउंडर है इंक्लूडिंग द आइकिया, स्टारबक्स, लेगोस, एप्पल, उन फाउंडर के पास एक पैशन होता है और वो धीरे धीरे उस पैशन को ही अपने बिजनेस में लाते हैं। तो वो जो फाउंडर था उसने जो इतना बड़ा जो बिजनेस जमाया उसकी दो या तीन कोर कैपेबिलिटीज क्या थी, ऐसी कौन सी जो क्रिटिकल कोर कैपेबिलिटीज है जो दुनिया की दूसरी कंपनी में किसी में भी नहीं है। तो वो पर्पज इस तरह डिफाइन होता है कि जिससे वो जो कोर कैपेबिलिटी है जो उस बिजनेस के अंदर है वो उस पर्पज स्टेटमेंट में आ जाए, जिससे वो कंपनी क्या है कि फिर जितनी ज्यादा अपने कोर में डीपर एंड डीपर जाएगी दुनिया की हर कंपनी से वो एक यूनिक होती जाएगी। सर तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कंपनी को डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि आप अगर रग्स बना रहे हैं तो आप कपड़े भी बनाना शुरू करते हैं, आप कुछ अलग अलग चीजें बनाना शुरू करते हैं, या फिर एक चीज जो आप बनाते हैं आप उसी पर उसी के जितना डीप में जा सकते हैं जाए? देखिए ये हमने ऑलरेडी हम लोग फैसला कर चुके हैं कि हमें हमारा जो पर्पज है उस पर्पज से कभी नहीं है। हमारा पर्पज ये है कि हम हमेशा ऐसा ही काम करेंगे जिसमें उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो डिग्निफाई हो, वो एक बहुत अच्छा पैसा कमा पाए और उनकी जो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज है वो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज को हम लोग बार बार निकाल पाए और कस्टमर के जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए उनकी क्रिएटिव कैपेबिलिटी को हम लोग उसके अंदर डाल पाए। उसके अलावा हम लोग कोई दूसरा बिजनेस नहीं करेंगे। डाइवर्सिफाई भी करेंगे तो उसी बिजनेस में करेंगे जहां हम लोग एक व्यूअर को, काम करने वाले आदमी को डिग्निफाई करें और उनकी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज को हम लोग बढ़ा के उस बिजनेस को बनाए। मतलब ओवरऑल पर्पस डिफाइन होना चाहिए, वो पर्पस को पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते आप ले सकते हैं। मनु खेरा का सवाल है कि आपने जैसे बताया बच्चों के बारे में, बट आपकी कोर कैपेबिलिटी और आपका पैशन बच्चों से अलग हो सकता है, बच्चों का आपसे अलग हो सकता है, तो उसको एक साथ एक इन लाइन आप कैसे लेकर आते हैं? देखिए क्या है कि हर बिजनेस की एक कोर होती है, जैसे मैंने बताया। तो अब जैसे मेरे पांच बच्चे हैं तो मेरी जो बड़े वाली बेटी है वो यूएस की कंपनी को चलाती है, वो सीईओ है, तो उसने करीब 5,000 कस्टमर उसके पास है। दो नंबर वाली बेटी सप्लाई चेन में बहुत अच्छी, वो सप्लाई चेन देखती है। तीसरे नंबर की बेटी वो एक बहुत अच्छी ग्लोबल डिजाइनर है, बेटा मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, दूसरा बेटा सप्लाई चेन में बहुत अच्छा है। तो जो कंपनी की कोर है वो तो एज इट इज रहेगी। फिर वो जो बच्चे हैं जिनकी उनकी जिस चीज में उनका जो पैशन है जिसमें वो बेस्ट कर सकते हैं उसमें उनको रखो,
और उनके पावर्स भी उतने ही लिमिटेड कर दो। सबसे बड़ा झंझट क्या कहा होता है कि जब एक आदमी जब फैमिली बिजनेसेस में जब फैमिली मेंबर्स पावर स्ट्रक्चर बन जाते हैं तब उसके अंदर झगड़ा शुरू होता है। तो अभी हम लोग क्या है कि जो पावर्स है वो प्रोफेशनल्स के हाथ में दे रहे हैं और फैमिली के जो एक लिमिटेड पावर है फैमिली उनको एक दिशा देगी। फैमिली मेंबर एक बोर्ड मेंबर के रूप में रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं। वंडरफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अंकित का क्वेश्चन है, आपके हिसाब से क्या आपका बिजनेस मॉडल और बहुत सालों तक सक्सेसफुल रहेगा या फिर टाइम के हिसाब से आपको चेंजेस करते रहने पड़ेंगे? देखिए अभी दुनिया में इतने बड़े चेंजेस आ रहे हैं। कल मैं कोटेशन पढ़ रहा था कि जो शुरू में जब बिजनेस शुरू हुआ तो जॉब्स वर ड्रिवन बाय द मसल्स और अभी सारे जॉब है दे आर ड्रिवन बाय द ब्रेन एंड द फ्यूचर जॉब विल बी ड्रिवन बाय द हार्ट। तो अभी दुनिया में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं कि जिसको मैं खूब अच्छे से देख पा रहा हूं और शायद हम कारपेट इंडस्ट्री में दुनिया में पहली कंपनी है जो उन चेंजेस को बहुत तेजी से लेके आ रहे हैं। उसके लिए मैं खूब पढ़ता हूँ। सस्टेनेबिलिटी के दुनिया के खूब टॉप लोग हैं, खूब थिंकर्स हैं, मैनेजमेंट गुरुज हैं, उनसे मेरी खूब अच्छी तरह बातचीत होती रहती है। तो बिजनेस एक लिविंग आइडेंटिटी है। बिजनेस हर वक्त इवॉल्व होता रहता है। जैसे अपना एक एक शरीर जिंदा है ऐसे ही बिजनेस भी एक जिंदी आइडेंटिटी है। तो अगर उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे तो बिजनेस इज गोइंग टू डाई, मर ही जाएगा बिजनेस। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। थैंक यू एवरीबॉडी हु जॉइंड द कन्वर्सेशन, हु एडेड टू द कन्वर्सेशन। सर एक ना सबके साथ एक फोटो ले लेते हैं। आप सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, हम विल टेक अ पिक्चर। परफेक्ट, लवली। इफ यू हैव एनी फीडबैक, एनी